नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखो हाँ देखो देखो किसने पत्थर मारा किसने मारा पूछ रहा हूँ बताओ ना ए, किसने पत्थर फेंका मंदिर के जलसे का क्या हुआ वो तो होता रहेगा उसे छोड़ो सुबह शाम यहाँ बैठ के तुम गप्पे हाँकते रहते हो और कोई काम धंधा नहीं है क्या ताजी ताजी सब्जियाँ ले लो गाजर मूली पालक लो आलू ले लो मेथी पालक ले लो एक चाय देना चाचा दूध गांव में नए हो हाँ भैया यहाँ पर थोड़े दिन रहने के लिए कोई जगह मिलेगी किस काम से आए हो मैं एक लेखक हूँ जुलाहों के बारे में लिखने आया हूँ अरे भेज ना माँ डर लग रहा है बाबा अरे भेजो ना नहीं माँ अब छोड़िए ना उसे भेजती है कि नहीं नहीं तो तुझे आना पड़ेगा भेजो आजा 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 मेरी बिटिया आजा 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 मेरी बिटिया आजा भैया हाथी कसके पकड़ना आजा बहुत अच्छे बिटिया अरे मेरी सयानी बिटिया ए चलो महादेव के घर में एक कमरा खाली है ना वो कहानी लिखने वाले को उधर रहने को बोला हूँ उन्होंने बोला जो कुछ हो सके दे दूंगा इसमें महादेव का भी कुछ फायदा होगा यहाँ क्यों बैठी हो पेट बहुत दर्द कर रहा है
दर्द दर्द बोलती रहती है, लेकिन वैद्य ने जो दवा दी है वो तो नहीं खाती है। क्यों बहन? भैया सुभद्रा कहाँ है? मंदिर गई है, अभी आ जाएगी। ठीक है, मैं भी बच्चों को लेकर मंदिर चली जाती। हाँ ठीक है, तू भी साथ में जा। तू भी साथ में जा बेटा। सबर कर, देती हूँ ना। वो कोई साधारण लेखक नहीं है। अच्छा, विदेश भी जाकर आया है। ओहो, कितनी लुभावनी कहानियाँ लिखी है जानते हो? रात भर उनकी बातें सुन रहा था मैं। ऐसा क्या, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगली बार मुझे भी साथ ले चलना ना। बापू, क्या हुआ? अनु मौसी उल्टी कर रही है, खून की उल्टी। कहाँ? हे भगवान, वहाँ पर है। रोग बहुत बढ़ गया है वेंकटेश, तुम चाहो तो बड़े अस्पताल ले जाकर वहां के किसी बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हो। कल सुबह एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। अगर मैं चली गई तो क्या आप अकेले बिटिया को संभाल पाएंगे? तुझे जाने दूं तब ना। एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, मुझे भी। तुझे कुछ नहीं होगा अनु, वैद्य जी भी वही कह के गए हैं। झूठ। मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला अनु। रेशम की साड़ी के बारे में भी। के लिए साड़ी जो बुन रहा हूं, हमारी बेटी इस साड़ी को पहनकर कितनी प्यारी लगेगी, एक बार सोच के देखो। Thank you.
बापू अभी लाई। ढूंढ रहे हैं? चश्मा दराज में रखा है। चाबी। छी। इस घर में कोई भी चीज सही जगह पर नहीं मिलती है। रात को तो यहीं पर रखी थी, अच्छी तरह याद है मुझे। साइकिल की चाबी ढूंढ रहे ना? चाबी झोली वहाँ मेज पर रखी है, बत्ती को साफ करके साइकिल पर चढ़ा दिया है। आजकल आप बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हो बापू। लीजिए। तूने अपना डब्बा नहीं लिया? मैं आके खा लूंगी। इधर आ। सिलाई की क्लास कब खत्म होगी? दोपहर को। मुझे आने में देर हो जाएगी, इंतजार मत करना, सीधी खड़ी रहे। खाना खा के सो जाना। पार्वती को चारा? पार्वती को चारा मैं आकर डाल दूंगा, तुम उस तरफ मत जाना। उस तरफ जहरीले सांप हैं, समझी? बापू आप आजकल रात को देर से क्यों लौटते हैं? अच्छा वो गुरुजी जो पाठ सिखाते हैं ना, वहीं जाता हूँ। वो क्या सिखाते हैं? वो रात को ही सिखाते हैं क्या? सुबह हम लोग काम करते हैं ना, इसलिए रात को ही समय मिलता है। लगता है खूब अच्छा सिखाते हैं, तभी आप सारी रात जाग जाग कर उनका पाठ सीखते हैं। वो ना नाटक सिखाते हैं। नाटक बापू? क्या मैं देखने आ सकती हूँ कभी? पहले मैं तो पूरी तरह सीख लूँ, उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा। सुना है अपना रंगा फौज में भर्ती हो रहा है, सच है क्या? हाँ चाचा। अपना ख्याल रखना। ठीक है बापू। सारा सामान पेटी में रख दिया है, लड़ाई में बम फूटेगा तो इधर उधर देखते सामने मत जाइयो। संभल के रही हो, एक ही तो औलाद है मेरी। अरे चुप कर, बड़बड़ाती रहती है। गांव में पहली बार हमारा बेटा ही फौज में भर्ती हुआ है, तुझे तो गर्व होना चाहिए। जा बेटा, दादी से आशीर्वाद ले ले। जा। पाए लागू दादी। जीते रहो बेटा। चलता हूँ माँ। मैं चलता हूँ। छोड़ के आना। अच्छा ना बेटा। ठीक है बेटा। सब ले लिया माँ। चिट्ठी लिखना नहीं भूलना। कुछ खबर हो तो लिखूंगा। खबर ना भी हो तो लिखो। हाँ हाँ। कमला, कमला, मैं यहाँ हूँ। चलो। गांव के धनी जमींदार, देश के धनी जमींदार। वाह, आप
के रेशम की कीमत क्या है? यह है विश्वविख्यात अद्वितीय रेशम, महासागर में मंथन द्वारा प्राप्त रेशम, सबके मनों को मोहने वाला रेशम, हमारे कांजीपुरम में बुना गया रेशम, अनमोल रेशम है ये, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। बहुत खूब, बहुत मालिक, खूब। मालिक कौन है वहाँ? जुलाहे भाई आपसे मिलना चाहते हैं। मालिक बहुत मुसीबत में हूँ, मजूरी बढ़ा दीजिए। मजूरी मजूरी ज्यादा मांगा तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। कमला, मैं हमेशा अपना चश्मा यहीं रखता हूँ ना, कहाँ गया? वहीं पर तो था। कहाँ? तू तो मुझसे भी बदतर हो गई है। खुद कहीं पे रखे। कमला ये कहाँ है? कमला वो कहाँ है? चिल्लाते रहते हैं। बता ये क्या है? चूहे का जहर अटारी पर होना चाहिए, यहाँ क्यों? गलती से खाने में गिर गया तो? क्या हो गया है तुझे, इतनी भुलक्कड़ हो गई है? हाँ ठीक है, जाके खानो परोस। ये सारी रूस की क्रांति की गाथाएं हैं। उस क्रांति में जो जो हुआ था उन सब का लेखा जोखा इनमें है। ये सब तुम्हारे लिए है। मैं जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हैं? जहां जहां शोषण हो रहा हो वहां वहां पहुंचना ही कम्युनिस्ट का कर्तव्य है। लेकिन इस तरह अचानक? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, उन्हें इस जगह का पता चल चुका है। उनके आने से पहले मुझे तुम लोग जाओ, जाओ यहां से, अपने आप को कैसे भी बचा कर जाओ यहां से। लेकिन आप? खुद को बचाना मैं जानता हूं। लाल सलाम, लाल सलाम, जाओ, लाल सलाम, जाओ। ए, ए, रुक, रुक जा। मैंने कहा रुक जाओ। ए, वो देखो भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। इस कुत्ते को किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए।
रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोको। अरे रोको गाड़ी। क्या हुआ? दर्जी, दर्जी। गाड़ी थोड़ा पीछे लो, पीछे लो। हाँ, आने दो, आने दो, आने दो। ए बच्चू, सिलाई की मशीन है? तो फिर ये क्या है? तुझे सीना आता है? हो। अच्छा, इसे जरा सी देना। उसके लिए मालिक को आना होगा। तूने तो कहा सीना आता है? हाँ, आता है। तो फिर सीना? सुई धागा अंदर रखकर मालिक ताला लगा कर गए हैं। जब आएंगे तभी सी सकता हूँ। वो कब आएंगे? कौन जानता है, बस आते ही होंगे। सर पे क्या पहाड़ टूट गया जो अभी सिलवाना है? अरे तमगे के बिना अगर बड़े साहब के सामने जाएंगे ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों भला? ब्रिटिश वाले कानून बनाकर चले गए और बिना सोचे समझे हम उसका पालन कर रहे हैं।